हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि लोडर बाल ब्लॉक की जो ओरिंग डलते हैं यानी कि सील डलते हैं छोटी छोटी, वो बार बार लीकेज क्यों हो जाती हैं और लोडर बाल ब्लॉक कहाँ होता है लगा हुआ, ये जानकारी हम आपको देंगे वीडियो में। तो आगे की साइड में जो लीवर होता है हैंड ब्रेक के पास में, ठीक उसी के नीचे लोडर बाल ब्लॉक लगा हुआ होता है। ये जो लीवर ये लोडर का रहता है हैंड ब्रेक के पास में, ये लोडर का ही लीवर रहता है जो कि लोडर वाल ब्लॉक में लगा रहता है। तो आप देख रहे हैं कितनी बुरी तरीके से, यानी कि इसमें लीकेजिंग है। इसके जो ओरिजिन डलते हैं अंदर सील डलती हैं वो लीकेज हो गई हैं और नीचे से भी बहुत ज़्यादा लीकेज है। अभी हम आपको नीचे से भी दिखा देते हैं। तो वाल ब्लॉक नीचे से भी बहुत ज़्यादा ऑयल में यानी कि हाइड्रोलिक ऑयल निकल रहा है, इसमें सील लीकेज हो गई है। हाइड्रोलिक ऑयल बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ से आप देख रहे हैं, सारे में हाइड्रोलिक ऑयल निकला पड़ा है और नीचे भी बहुत सारा निकल गया है हाइड्रोलिक ऑयल। जब मशीन चलती है तो और ज़्यादा मतलब कि निकलता है। तो ये बार बार लीकेज को हो जाता है या सील गलत डल जाती हैं, सील प्रॉपर ठीक नहीं बैठती हैं, या फिर जो लीवर के दो स्पूल रहते हैं या वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो जानकारी है हम आपको अभी खोल के दिखाएंगे, चेक कराएंगे। तो वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटी सी बात और बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पूरा बाल ब्लॉक के जो हाइड्रोलिक बाल यानी कि जो लोडर बाल ब्लॉक है पूरा हाइड्रोलिक में भींगा पड़ा है। तो इसकी लीकेजिंग चेक करने के लिए मेरी जगह कोई और भी इंजीनियर सही या ऑपरेटर भाई सही चेक करना हो तो सबसे पहले पूरे बाल ब्लॉक पे यानी कि जहाँ से ऑयल लीकेज है वहाँ अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में मशीन को स्टार्ट करके चेक करना चाहिए कहाँ से लीकेज होती है, तो आपको पूरा क्लियर कन्फर्म हो जाएगा कि पाइप से लीकेज है या बाल ब्लॉक से लीकेज है। तो कपड़े से अच्छे से पहले साफ कर लेना चाहिए, उसके बाद में आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो हमने पूरा अच्छे से पहले साफ किया था, उसके बाद में हमने ये चेक किया था इसका लोडर बाल ब्लॉक की जो सील है ओरिंग है वो ख़राब है। अब स्पूल निकाल के चेक करेंगे कि उनकी क्या कंडीशन है और बार बार ऐसी स्थिति में क्यों लीकेज हो जाते हैं, जबकि 3 से 4 बार बाल ब्लॉक की सील डल चुकी हैं। आज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम इसे अच्छे से सेट करेंगे और कमी भी बताएंगे आपको कि इसमें बार बार लीकेजिंग की क्यों प्रॉब्लम आती है। तो बाल ब्लॉक की सील चेंज करते समय हमें सबसे पहले इन बोल्टों के लिए खोलना पड़ता है ऊपर से, जो कि लीवर वाले जो लॉक रहते हैं इनमें जो रोड रहती हैं लीवर की, ये स्पूल में जाके फंसती हैं यहाँ पे, तो इनमें ये लॉक लगते हैं। तो लॉक निकाल के ये 3/16 की जो एलंकी होती है उससे स्क्रू ये यानी कि जो बोल्ट हैं वो खुल जाते हैं। मॉडल के हिसाब से अलग अलग नंबर के बोल्ट आते हैं, जो कि 5 नंबर की एलंकी के भी बोल्ट आते हैं और 4 नंबर एलंकी के भी बोल्ट आते हैं ये वाले, और 3/16 की भी एलंकी के बोल्ट आते हैं। तो ये मॉडल के हिसाब से चेंजिंग दी हुई है, बाकी जो सील डालने का तरीका है वो सेम ही होता है। तो अभी हमने ऊपर से जो है बोल्ट ये खोल लिए हैं, अब नीचे से हम खोल के स्पूल के लिए निकालेंगे। तो यहाँ से हम नीचे से भी 3/16 की एलंकी लगा के बोल्ट के लिए खोल लेते हैं। इसमें छोटे बड़े 2 स्पूल लगते हैं लोडर वाले ब्लॉक में। तो बड़े वाले स्पूल में गोली लगी रहती हैं छोटी छोटी, उनका बहुत विशेष रूप से हमें ध्यान देना पड़ता है। खोलते वक्त अगर वो खो जाती हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लीवर फंसने लगते हैं। तो खोलते समय इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी हम इनके लिए अब दोनों स्पूलों के लिए नीचे से खोल कर बाहर निकाल लेते हैं, ऊपर से पहले खोल लिए हैं हमने, अब खोल रहे हैं नीचे से। तो छोटा वाला जो स्पूल है पीछे की साइड में, इसे हमने खोल लिया है। इसे स्पूल को खोलते समय लोडर के लिए नीचे रख लेना है और लीवर आगे के फ्री कर लेने हैं लोडर के, अन्यथा आप चोट खा सकते हो और इसमें जो है एयर बनी रहती है, वो एयर लीवर फ्री करने से एयर ख़त्म हो जाती है, फिर आप इसे खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे वाले स्पूल के लिए निकाल लेते हैं बाहर, निकाल लिए बाहर को, नीचे को निकाल लो, प्लेट को हटाओ जल रही है। तो निकालते समय एक तसला या बाल्टी रख लेनी है, जो कि हाइड्रोलिक ऑयल निकलता है बाल ब्लॉक के अंदर से वो उसमें आ जाए अच्छे से। जैसे ये निकला, ये निकाल दिया स्पूल पीछे का,
यानी कि छोटा वाला। अब निकालेंगे बड़ा वाला जो कि इसमें गोली रहती है, तो ये हमें बड़े हिसाब से खोलना पड़ता है। गोली नहीं खोनी चाहिए, अगर गोली हट भी जाती है तो वो आराम से लग जाती हैं, उसकी ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गोली ज़्यादा, तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं इस पुल के लिए। तो अभी भाई साहब खोल रहे हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, यहाँ गोली लगी रहती है, ये इसमें अगर ये खो जाती हैं तो बहुत परेशानी होती है, इसलिए हम बैठे हुए हैं। और बड़े आराम से इसे खोलेंगे पहले, इसमें ये इसके लिए लगा लेते हैं। अगर गोली गिरेंगी तो इस डिब्बी के अंदर ही गिरेंगी, और इस पुल के लिए ऊपर से नीचे के लिए इस तरीके से आराम से निकाल लेते हैं। तो एक स्पूल रहता है इसमें लंबा, जो अभी निकाला है हमने, और नीचे है ये स्पूल है छोटा। अभी दिखाते हैं, जैसे कि ये वाला जो स्पूल है ये लंबा है और ये छोटा है। तो अभी हम वीडियो में बताएंगे आपको कि बार बार सील लीकेज इसकी क्यों हो रही थी। पहले स्पूल के लिए अच्छे से चेक करेंगे ये कहीं से ख़राब तो नहीं है। तो हमने दोनों स्पूल को खोल लिए हैं, तो दो से तीन बार इनमें सील डल चुकी हैं, ये रहती है इनमें सील स्पूलों में। तो बार बार लीकेज इसीलिए हो रही थी क्योंकि ये स्पूल है, इनमें स्क्रैच आई हुई है। अभी हम स्क्रैच भी दिखाते हैं आपको कि स्क्रैच कहाँ से है। तो जैसे कि ऊपर की साइड में आप देखेंगे, ये जो देख रहे हैं आप, ये स्पूल में स्क्रैच बनी हुई है, इसकी वजह से सील बार बार लीकेज हो रही थी। ठीक उसी प्रकार इस वाले दूसरे वाले स्पूल में भी ये स्क्रैच बनी हुई है। तो इसमें दो जगह हैं, एक जगह अभी आपको दिखाते हैं, एक तो ये है और एक इस साइड है ये। तो इसमें ये गड्ढा हो गया है स्पूल में, स्क्रैच है, इसलिए बार बार ये लीकेज हो रही थी। तो दोनों स्पूलों में वही कंडीशन है, यहाँ से भी स्पूल, ऊपर से भी स्क्रैच आ जाती हैं, और बीच में से भी कभी कभी स्क्रैच आ जाती हैं, जिससे कि ये सील ज़्यादा दिन नहीं चल पाती हैं। तो सील डालते समय ये बहुत ही अच्छे से हमें चेक करना चाहिए कि स्पूल ख़राब तो नहीं है, बाकी सील डालने का तरीका सही होना चाहिए, तो लीकेजिंग की समस्या बहुत ही कम होती है, नहीं तो होती ही नहीं है। अगर स्पूल ख़राब हैं तो चेंज कर लेने चाहिए, नहीं तो बार बार लीकेज होते ही रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।